दोस्तों, कोविड के बाद फरवरी 2023 में भारत में विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दिसंबर 2022 में रोजाना एवरेज यात्रियों की संख्या 4,10,000 तक थी, जो फरवरी 2023 में बढ़कर 4,20,000 तक पहुंच गई है। हैरानी की बात यह है कि जनवरी और फरवरी 2023 में यात्रियों की संख्या अक्टूबर और नवंबर में यात्रा करने वाले यात्रियों से ज़्यादा है। 19 फरवरी 2023 को 4,44,845 यात्रियों ने हवाई जहाज से यात्रा की, जो कि एक रिकॉर्ड है। देश भर में अलग अलग इवेंट होने के कारण, जैसे कि बेंगलोर में एयर शो और G20, इनसे भी यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अक्सर देखने को मिलता था कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में कॉरपोरेट सेक्टर थोड़े पैसे बचाने के लिए यात्रा में कमी कर देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में विमान से यात्रा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। अगर वर्ष 2022 के आंकड़े देखें तो विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 47% बढ़ी है। गो एयर के चीफ गौरव नेगी का कहना है कि इंटरनेशनल पैसेंजर भारत में बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि डोमेस्टिक पैसेंजरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों ने भी विमान यात्राएं बड़े पैमाने पर की हैं। अभी इसी महीने एयर इंडिया ने एयरबस फ्रांस और बोइंग अमेरिका के साथ 470 विमानों को खरीदने की डील की है, जो अब तक की सबसे बड़ी डील कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पिछले दिनों संसद में कहा था कि उनके कार्यकाल में 70 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। इससे जाहिर होता है कि सरकार भी इस बात पर पूरा जोर दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री विमान सेवा का लाभ उठाएं। इसी तरह की जानकारियाँ देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।